देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसी प्रकार का देखेंगे तो सभी घाटों पर जो है मिट्टी बालू का ढेर ये देख रहे हैं ये मौजूद है। तो ये अगर साफ़ सफाई अगर अभियान जब खत्म हो जाएगा तो आप एक घाट से दूसरे घाट आप आसानी से जा सकते हैं। ये देख रहे हैं लगातार जो है इस समय सफाई अभियान जो है सभी घाटों पर देखा जाए तो चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। ये देख रहे हैं, ये देखा है तो काशी का काफ़ी प्राचीन घाट माना जाता है। ये भीड़ देख पा रहे हैं और ये एक गली है। चलिए आपको लेकर चलते हैं काशी के प्राचीन घाट से सिंधिया घाट के लिए। ये है दृश्य कुछ इस प्रकार। ये देख पा रहे हैं इस घाट पर देखें तो हमेशा कुछ इस प्रकार का भीड़ देखने को मिलेगा आपको। और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर इस समय गंगा का जल स्तर आखिर कितना कम हुआ है। इस साइड आप देख सकते हैं घोरी बाबा को, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा अपने वाराणसी के सिंधिया घाट साइड में। ये देखिए सुबह के समय 10:30 बज रहे हैं तो इस समय सुबह सुबह आपको देखिए बड़ा और कचौड़ी सब्जी मिल जाएगा। और इस साइड हो रहा है पिंडदान, इस साइड भी देखिए कचौड़ी सुबह सुबह। और आगे बढ़ने के बाद दाहिने साइड में है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। चलिए इस साइड चलते हैं। और इस समय देख रहे होंगे जो कि भीड़ देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त, इसलिए क्योंकि इस घाट पर होता है पिंडदान, क्योंकि इस समय यही चल रहा है जिसे बोलते हैं पितृपक्ष। और इस साइड देखिए है मणिकर्णिका कुंड। ये देख रहे हैं गंगा का जलस्तर हालांकि देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी गति से कम हुआ है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो एक घाट से आप दूसरे घाट नहीं जा सकते हैं क्योंकि पानी तो कम हो गया है, लेकिन वहां पर जो कीचड़ जो बालू है वो अभी भी मौजूद है। ये देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट में ढेर सारी मछलियाँ। चलिए चलते हैं। ये देखिए ये भीड़ देख रहे हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है कि जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे इस साइड देखिए है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। फिलहाल देखिए यहाँ पर मात्र एक दो सीढ़ियाँ ही टिक रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं फिलहाल देखा जाए तो इस मंदिर का सबसे खास बात यह है कि 6 महीने ये जो मंदिर है पानी में डूबा रहता है, 6 महीने बाहर रहता है। यानी कि देखा जाए तो प्रचंड गर्मी में जब गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी कि प्रचंड गर्मी में जो है गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब इस मंदिर में जो स्थित जो शिवलिंग है तब वह दिखता है, अन्यथा ये इसी तरह आप देखेंगे तो ये पानी इसी प्रकार का डूबा रहता है। तो चलिए इस साइड से हम लोग चलते हैं। और इस साइड भी देखिए काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर भी हो रहा है पिंडदान की तैयारी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ज़्यादातर लोग देखेंगे तो इस मणिकर्णिका घाट पर साउथ के लोग ज़्यादा नज़र आएंगे। फिलहाल देखिए गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से यह जो मंदिर देख रहे हैं और शिवलिंग जहाँ पर स्थित है यह भी पूरा डूब गया था। इस मंदिर का नाम है श्री दत्तात्रेय पादुका मंदिर। तो फिलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने वाराणसी के सिंधिया घाट पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
और दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने वाराणसी के किसी भी घाट पर स्नान कर रहे हैं तो आप किनारा ही स्नान करें और तैरने की कोशिश ना करें, क्योंकि आए दिन देखा जाए तो अपने वाराणसी के किसी न किसी घाट पर दुर्घटनाएं घटती रहती है। ये देखिए, ये है दृश्य कुछ इस प्रकार। तो चलिए आपको आगे भी लेकर चलते हैं और सिंधिया घाट से देखिए एक रास्ता कटा हुआ है जो कि चला जाएगा संकटा माता मंदिर के लिए। ये देखिए, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये पूरा पिंडदान करने वाले लोग हैं। ये देख रहे हैं भीड़। चलिए फिलहाल इस साइड तो भीड़ है, मैं सीढ़ी के माध्यम से इस साइड से चलता हूँ ऊपर से। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था, यानी कि गंगा का जलस्तर तो कम हो गया है, लेकिन एक घाट से दूसरे घाट आप नहीं जा सकते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसी प्रकार का देखेंगे तो सभी घाटों पर जो है मिट्टी बालू का ढेर, ये देख रहे हैं, ये मौजूद है। तो ये अगर साफ़ सफाई अगर अभियान जब ख़त्म हो जाएगा तो आप एक घाट से दूसरे घाट आप आसानी से जा सकते हैं। ये देख रहे हैं लगातार जो है इस समय सफाई अभियान जो है सभी घाटों पर देखा जाए तो चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ महीने यानी कि नवंबर में है देव दीपावली, क्योंकि देव दीपावली में देखा जाए तो अपने वाराणसी के घाटों पर काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।